हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से विंडोज़ 11 में या आप विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें किस तरह से याहू मेल की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप याहू मेल को बार बार ओपन करते हैं और आप उसमें ब्राउज़र में जाकर उससे साइन करते हैं तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से उसका एक एप्लीकेशन बनाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर भी यहाँ पर याहू सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर याहू की कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं मिलेगी जिसमें आप याहू मेल को साइन कर सकें। यहाँ पर जो भी होगी वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही होगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है जिसमें आपने याहू मेल साइन इन की हुई है। जैसे मैंने अपने इस क्रोम ब्राउज़र में याहू मेल को साइन इन किया हुआ है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट मेल को ओपन करूंगा। यहाँ पर जो मेरे सामने मेल ओपन हो जाएगी, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाना है और इसके बाद मोर टूल्स पर जाने के बाद क्रिएट शॉर्टकट पर जाना है। यहाँ पर याहू मेल लिखा हुआ है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ओपन एज विंडोज़ पर चेक मार्क लगाते और इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करें और ब्राउज़र को बंद कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास याहू मेल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर एक याहू मेल का एक एप्लीकेशन की तरह एक आइकन भी बन चुका है। जब भी आपने याहू मेल को ओपन करना है तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके ओपन करना है या डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप याहू मेल को ओपन कर सकेंगे और इसमें जो भी मेल्स वगैरह हैं वो आप देख सकेंगे। जस्ट आपने यहाँ पर इसे ओपन करना है और उसके बाद जो याहू मेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी जितनी बार भी आप इसे ओपन करना चाहें या बंद करना चाहें। तो आप इस तरह से याहू मेल्स को बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।